अस्सलाम असलम हैलो अवरी बैन वेलकम बैक टू माय चैनल की उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों होंगे तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बचे हुए फ्रूट्स का फ्रूट चाट जब भी इफ्तार करते हैं ना तो थोड़ा बहुत बहुत सारे सामान बच ही जाते हैं या फिर अफ्तार पार्टी हो या फिर आप नॉर्मली घर में भी बनाने के लिए कर रहे तो फ्रूट तो खास करके बच ही जाते हैं। तो बचे हुए फ्रूट्स को कभी भी यूज़लेस ना होने दें उसका कुछ ना कुछ ऐसा इस्तेमाल कर ले या तो कस्टर्ड बना ले या कुछ इस तरीके से जो मैं आपको बता रही हूँ आप ऐसे भी बना सकते हैं तो मैंने ये भी एक फ्रूट चाट ही है थोड़ा सा चटपटा सा बना दिया तो बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ तो मैंने सारे फ्रूट्स को जो भी बचे हुए थे ना उसे एक बॉल में रख लिया और उसमें थोड़े से डाल दिए थे किशमिश के दाने और दो खजूर को डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया था चाट मसाला और नमक चीनी अवॉइड कर दे क्योंकि फ्रूट्स ऑलरेडी मीठे है तो चीनी आप स्किप ही कर दे और आगे जब आप थोड़ी देर के लिए स्टोर भी करेंगे ना तो चीनी फिर वो लूज़ आउट होगा तो पानी पानी सा हो जाएगा बस सिंपल सा ये रेसिपी है आप आसानी से सब बना सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाल दूंगी इमली का पल्प इमली की चटनी है आपके पास चटनी नहीं तो इमली का पल्प भी डाल सकते हैं मेरे पास चटनी था बना हुआ रहता है मैं स्टोर करके से रखती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा इमली का चटनी डाल दिया था और बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी सा ये रेसिपी तैयार तो है बस एक लास्ट ट्रिक इसमें अपनाना है और ये हमारा जो फ्रूट चाट है ना वो रेडी है तो लास्ट में आप कर सकते हैं कि आप चाहे तो लेमन डाल दें वरना इस तरीके से संतरे को आप लेके और बस नींबू निचोड़ने वाले में आप डाल दीजिए और उसके जूस को डालिए संतरे के फ्रेश जूस को इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो मैंने नींबू को अवॉइड करके यहाँ पे संतरे को डाल दिया था संतरा अच्छा खासा मुंड में बचा हुआ था तो संतरे के रस को यहाँ पे निचोड़ दिया है और फिर आप उसे मिक्स कर दें बहुत अच्छे से टेस्ट आता है और ये हमारा जो फ्रूट चाट है ना वो रेडी है बहुत कम चीज़ों से और झटपट बन जाना और ये कहीं ना कहीं वेस्ट होता तो उसे एक नया लुक देके बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ वेस्ट होने को रहता है ना उसे आप एक नए तरीके से बना दें तो लोग उसे खा लेते हैं सिंपल से तरीके में नहीं खाना पसंद करते तो मैं इस तरीके से बना देती हूँ और जो सारे के सारे फ्रूट्स जो है ना वो सब लोग अच्छे से खा लेते हैं तो यूज़फुल हो जाता है तो इस तरीके से हमारा जो खाना है वो वेस्ट भी नहीं होगा और एक नई डिश भी बन जाएगी तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप चाहे तो चीनी ऐड कर लीजिए अगर तुरंत इंस्टेंट खाना वरना फल सारे ही मीठे होते हैं तो और आपके पास जो भी बचा हुआ फ्रूट्स है ना सिर्फ आप उसी का बनाएं बहुत ईज़िली बन जाएगा ऐसा कुछ नहीं कि खास करके आप अगर आप चाहते हैं ये रेसिपी ट्राई करना तो आप कट करके भी फ्रूट्स बना सकते हैं अलग अलग वरना अगर आपके अफ्तार में फ्रूट्स बच जाते हैं तो आप ये लुक दे सकते हैं टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा लेफ्ट ओवर फ्रूट्स के साथ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़